और आपको बताएं कि यमन फायरबंदी के ऐलान से पीछे हट गया है और सऊदी अरब पर फिर मिसाइलों से हमला कर दिया। अलरियाज और जाजान पर दो बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं। सऊदी अरब पर मिसाइलों से हमला, मिसाइल हमलों में सऊदी दारुल हुकूमत अलरियाज के अलावा सऊदी शहर जाजान को भी निशाना बनाया गया है। जोरदार धमाकों की गूंज से शहरी खौफजदा हो गए। धमाकों की आवाजें सऊदी दारुल हुकूमत रियाज के शुमाल में सुनी गई हैं। सऊदी अरब के दारुल खिलाफा अलरियाज के शुमाल में तीन जोरदार धमाके हुए जिनकी गूंज कई मील दूर तक सुनाई दी है। सऊदी मीडिया की जानिब से बताया जा रहा है कि सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज पर दो बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया, जिसे सऊदी अरब के दो शहरों अलरियाज और जाजान को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। दूसरी जानिब सऊदी अरब इत्तेहाद ने इस बात की तस्दीक की है कि दारुल हुकूमत रियाज पर मिसाइलों से हमला हुआ है, तहम मिसाइल फजा में ही तबाह कर दिए गए हैं। जबकि रियाज के शहरियों ने कहा है कि मकामी वक्त के मुताबिक तकरीबन रात 11:20 पर तीन जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दी हैं। इससे कबल जर्मनी हुकूमत ने फायरबंदी और कोरोना वायरस के फैलाव के असरात से निपटने के लिए अकवामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की जानिब से दी गई दावत कबूल करने का ऐलान किया था, जिस पर अरब इत्तेहाद के सरकारी तर्जुमान ने कहा था कि इत्तेहाद की मुश्तरका अफवाज की कमान यमनी हुकूमत के फैसले को सपोर्ट करती है।